नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KBC Spark India पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 50 रुपीज़ का जो नोट है, नया नोट, उस पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और एक नहीं अनेक क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है KBC के लिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो में तो केवल 50 रुपये के नोट के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लिए जाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में और भी जो नोट हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, उन पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको एक चित्र दिखाया गया है, ये काफ़ी फेमस चित्र है जो KBC में पूछा जा सकता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है, इससे हम कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने देखा भी होगा, आपकी जेबों में रहता है ये। तो क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया स्मारक किस राज्य में है? तो मैं ऑप्शन देता हूँ आपके लिए। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अब प्रश्न ये है कि ये किसका चित्र है? तो ये हम्पी का चित्र है और ये 50 रुपये के जो नया नोट है उसके बैक साइड में छपा हुआ है। आपको बता दूं कि 2016 नवंबर 2016 में डीमोनिटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अगस्त 2017 से ये 50 रुपये का नया नोट प्रचलन में है। तो विमुद्रीकरण किस वर्ष हुआ था, ये भी एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम्पी किस धर्म के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू धर्म। देखिए यहाँ पे कुछ जैन धर्म के भी स्मारक पाए जाते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः पूछा जाए तो इसमें हिंदू धर्म आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में कर्नाटक में स्थित हम्पी रामायण काल में कौन सा राज्य था? ए जनकपुर, बी किष्किंधा, सी चित्रकूट और डी रामेश्वरम। हम्पी रामायण काल में एक प्रसिद्ध राज्य था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किष्किंधा। किष्किंधा जो सुग्रीव और बाली का राज्य हुआ करता था। देखिए किष्किंधा क्षेत्र को रामायण में पंपा क्षेत्र, पंपा देवी क्षेत्र और पंपापुर इन नामों से भी जाना जाता था। बचपन में आपने खूब नाम लिया होगा, एक कहानी सी थी कि मैं तो पंपापुर को जाऊंगा, कुछ ऐसे करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंपा देवी किस हिंदू देवी को कहा जाता है? ए लक्ष्मी, बी पार्वती, सी सरस्वती और डी दुर्गा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्वती। किष्किंधा क्षेत्र को पंपा देवी क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता था, मैंने ये आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में दिखाया गया स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हम्पी है जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है, इसके जो आसपास नदी बहती है वो तुंगभद्रा नदी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर चलाते हुए किसान का चित्र आप किस नोट पर देख पाते थे? ए 2 रुपये, बी 5 रुपये, सी 10 रुपये और डी 20 रुपये। ये थोड़ा सा हटके है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 रुपये। ये गांधी सीरीज़ के नोट थे, अभी बंद हो चुके हैं ये छपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पाया जाता है? ए हैदराबाद, बी हम्पी, सी मंदसौर और डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्पी।
विरूपाक्ष मंदिर एक फेमस मंदिर है, जो विरूपाक्ष जो शिव का, भगवान शिव का एक प्रकार है, फॉर्म है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर किस हिंदू देवता के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है। और देखिए, विरूपाक्ष मंदिर को विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 50 रुपये के नए नोट पर पाए जाने वाले हम्पी को किस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया गया? 1980, 1984, 1986 और 1988। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्यकाल में हम्पी किस शहर के बाद विश्व का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था? ए बीजिंग, बी लंदन, सी टोक्यो और डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजिंग। 1520 शताब्दी थी, उसमें बीजिंग के बाद हम्पी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का जो ये साइन है, प्रतीक है, इसको किसने डिजाइन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय कुमार। उदय कुमार तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये IIT डिजाइन गुवाहाटी के हेड हैं। इस प्रतीक को जुलाई 2010 में अपनाया गया था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।